नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कहावत जो आज सच साबित हो गई है। कितनी भी बार सच साबित हुई है ये आप मुझे बताएंगे। कहावत ये है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इस कहावत में बिल्ली जो है वो हमारे सबसे चहीते प्रदेश पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, और जो इसमें हज है वह है UN। जैसा कि आपको पता होगा कि CAA अर्थात नागरिकता कानून के खिलाफ ममता बनर्जी UN जा रही थी, यूनाइटेड यूनियन जा रही थी। वाह जी वाह, चलो ठीक है, UN तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले देश के UN ने उन्हें फटकार लगा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट की। कोलकाता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, लताड़ लगाई है दीदी जी को, ममता जी को, ममता बनर्जी जी को। वो किस लिए, आप ये भी सुनिए पूरी कहानी। असल में जब नागरिकता कानून आया था और नागरिकता कानून के विरोध में 16 दिसंबर को ममता बनर्जी और TMC के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे बंगाल में जगह जगह रैलियां की थीं, जगह जगह CAA का विरोध प्रदर्शन किया था, कई बैनर और पोस्टर भी लगाए गए थे, और एक जगह ममता दीदी ने जो है मंच को संबोधित करते हुए छी 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 छा 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 छी 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 वाली हरकतें भी की थी, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि दीदी जी आपने आज जो है छी छी छा छा छी छी तो कर दिया, अब टट्टी टट्टी कब करेंगी। ये भी मैंने वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। लेकिन यहां पर अब पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में CAA के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं, विज्ञापन दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ, यहां तक कि कुछ वेबसाइट्स में तक CAA के खिलाफ विज्ञापन दिए गए। और ममता बनर्जी ने 16 दिसंबर को यह बयान दिया था कि नागरिकता कानून जो है वो बहुत ही क्रूर कानून है, ये जो है कानून के खिलाफ है। तो कानून ने ही इनसे पूछ लिया कि ये मोहतरमा कैसे कानून के खिलाफ है, आप इसके खिलाफ जो है आप कैसे जा रही हैं, और आप इस पे पूरी रिपोर्ट दीजिए। और पश्चिम बंगाल में जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, उसकी भी रिपोर्ट दीजिए, और आपकी सरकार फेल क्यों हो गई, पश्चिम बंगाल सरकार फेल क्यों हो गई, ममता बनर्जी की सरकार फेल क्यों हो गई, उस पर भी रिपोर्ट दीजिए। और सबसे पहले तो तत्काल ये सारे के सारे पोस्टर्स और बैनर्स हटाइए, तुरंत इनको साफ करिए, वरना कार्रवाई होगी। और अब इस केस की कार्रवाई जो है 9 जनवरी 2020 को होगी। इस केस की कार्रवाई हो गई है, इस पर जो है याचिका लगा दी गई थी कोलकाता हाई कोर्ट में, इसकी कार्रवाई आज हुई, सुनवाई आज हुई। अब अगली सुनवाई 9 जनवरी 2020 को होगी, जिसमें ममता बनर्जी को फिर लताड़ लगाई जाएगी, फिर फटकारा जाएगा, सवाल जवाब किया जाएगा, ममता बनर्जी चारे खानों चित्त हो जाएगी। अगर ममता बनर्जी ने तत्काल पोस्टर्स नहीं हटाए या इस पर जो है रिपोर्ट नहीं सौंपी और सवालों के जवाब नहीं दिए, तो हमारी भाषा में मतलब कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जज सर की भाषा अलग होती है, हमारी भाषा में पिछवाड़े में चार बैंत मारी जाएगी और लाल कर दिया जाएगा। तो ऐसा जो है हम कहते हैं, जनता कहती है, लेकिन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज होते हैं वह कहते हैं आदेश देना, लताड़ लगाना, सुनवाई करना वगैरह वगैरह। तो आपको यह सुनवाई की जानकारी कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोड को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि मैं 9 जनवरी 2020 को जो वीडियो बनाऊंगा इस सुनवाई पर वो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप नए हैं तो घंटा जरूर बजा देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ, वरना भाई के वीडियो आप कैसे देखोगे, भाई को सपोर्ट कैसे करोगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और कोलकाता हाई कोर्ट की भी जय और जज साहब की भी जय।